अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हैदर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने wix.com पे से एक वेबसाइट, सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी। आज हम उसको एडिट करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे उसके। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाजमी बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। चलें शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से पिछले ट्यूटोरियल में हमने वेबसाइट बनाई थी और हमने ये टेम्पलेट ब्लॉग का अपलोड किया था। फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये अगर आपको पूरी वेबसाइट क्रिएट करके बताता हूं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है। मैं इसको जितनी जल्दी क्रिएट कर सकता हूं उतनी जल्दी क्रिएट करके आपको ईजी आसान तरीके से बता देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस ट्यूटोरियल में जो पिछला ट्यूटोरियल था, जिन्होंने वो नहीं देखा था, वो मेरी पिछली वेबसाइट पर पिछली वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप इस नीचे से जाके उसको पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो वेबसाइट हमने वेज पे ये बनाई थी। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम अगर यहाँ पे नाम आप डालना चाहते हैं तो इस पर जस्ट डबल क्लिक करें और अपना नाम डाल दें। सो सिंपल है, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें, पूरे ही डिलीट कर दें। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नीचे ये एक स्टेप चाहिए तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। बहुत ही आसान है। इसके बाद ये तस्वीर मेरी नहीं है, जिस भी मॉडल की है। अगर आप तस्वीर चेंज करना चाहते हैं, अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं, इस तस्वीर पर डबल क्लिक करें, बैकग्राउंड चेंज पर क्लिक करें और यहाँ पे आप अगर कोई कलर लगाना चाहते हैं तो कलर लगा लें, कलर आ जाएगा। नहीं तो कोई इमेज लगाना चाहते हैं, अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं या विक्स का कोई वॉलपेपर लेना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं इजीली। यहाँ से मैं जैसे कोई भी एक तस्वीर ले लेता हूँ। ये टोपी वाले भाई अच्छे लग रहे हैं, इनको ले लेते हैं। ये यहाँ पर सेट हो गए। अदरवाइज आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विक्स जो फ्री में दे रहा है वीडियो, वो भी है इसमें। छोटे से एनिमेशन वीडियो हैं जो आप लगा सकते हैं। अगर मैं ये भी लगाऊंगा तो ये थोड़ा स्लो चलना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगाता इसे। आप लगाना चाहे तो ईजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर और सेटिंग में आप होम पेज है, अबाउट है, दूसरे और गैलरी, रिज्यूम वगैरह ऐसी कोई है, आप इस पर जस्ट क्लिक करें। मेन्यू में चले जाएँ, यहाँ पे आपको सब नज़र आ जाएंगे। अगर आप पेज एडिट इसमें और करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। होम पेज आ गया। अबाउट में आप जाते हैं तो अबाउट का पेज आपका जस्ट इस होम पेज के नीचे ही है। इसमें आप जो चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ डिलीट करके कुछ भी अपना इसका नाम दे सकते हैं। अगर यही नाम रखना है तो जस्ट आपका कोई और पेज बना हुआ जहाँ पे अबाउट अस आपका इंफॉर्मेशन वगैरह आपकी पर्सनल है तो आप यहाँ से इसको वेब पे क्लिक करके यहाँ जस्ट इसका यूआरएल लिंक डालेंगे अदर पेज पे। अगर आपने दूसरा कोई पेज इसमें क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने पहले वाले उसमें बताया कि आप यहाँ से पेज इसमें और एडिट कर सकते हैं, वो पेज दूसरी साइड पर खुलेगा, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इससे नीचे आ जाएं तो ये पेज है जिसमें आप अलग अलग इसमें कैटेगरी में आप इसमें कुछ भी लोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है, जस्ट क्लिक करें, बैकग्राउंड चेंज करें, कोई सा भी बैकग्राउंड रख दें जो आपको पसंद आए आप वो लगा दें। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। इससे नीचे आ जाएँ, पोर्टफोलियो आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह, यहाँ पर आप जस्ट इसको मैनेज मीडिया में जाएँ, आपने जो आपकी पर्सनल आप फोटोज यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल दें। मैं आपको सिर्फ
चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आप, नई और तस्वीरें ले सकते हैं। ऐड मीडिया में आप गए, पिक्चर इसमें इमेजेस में चले जाएं। इमेजेस में जाने के बाद पिक्स के अंदर से आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं या अपनी पर्सनल पिक्चर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ कुछ तस्वीरें और ऐड कर देता हूँ। ये वो तस्वीरें आ गई, और जो तस्वीरें मुझे नहीं चाहिए आप जस्ट इस पर क्लिक करें। डस्टबिन का इसमें ये आइकन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करते जाएं, ये पिक्चर्स डिलीट हो जाएंगी। ये तस्वीरें हमने सेलेक्ट करी थी, इसको डन कर देते हैं। ये आपकी तस्वीरें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। यहाँ गेट इन टच लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट का वो आ गया, आप यहाँ नीचे क्लिक करके कुछ भी यहाँ पे डाल के अपना सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर कॉन्टैक्ट। ये बिल्कुल इजीली आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सेम इसका वही है, अगर आपको इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, आप यहाँ क्लिक करें, कलर चूज करें, मुझे ये पसंद आया, ये पसंद आया, इस पर जस्ट क्लिक करें और ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। चेंज डिज़ाइन, आप यहाँ पे आपको कोई सा भी डिज़ाइन समझ में आ रहा है, आप जिस राउंड में जैसा चाहते हैं वैसा डिज़ाइन बन जाएगा। जस्ट आपके एक क्लिक पे सब कुछ इजीली हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, और इसमें कुछ नहीं है, आप इजीली इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। मैं आपको इसे पब्लिश करके इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट आपको ऐसे दिखेगी। यहाँ पे आप इस तस्वीर को जो लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह है, हेडर के अंदर ये आपके लिंक्स आ रहे हैं फेसबुक और इसके सोशल मीडिया के। आप जस्ट अभी हम यहाँ पे वापस एडिट में जाते हैं, बैक टू एडिट पेज। इस पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक किया, जस्ट यहाँ गए जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पे इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये वो सब आ रहे हैं। आप इसमें और एडिट करना चाहते हैं तो और एडिट कर सकते हैं। ये फेसबुक है, यहाँ पे जाके आप इसको अपने फेसबुक का पेज का यूआरएल डालेंगे और जस्ट डन। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुलेगा, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे साइट पे विजिटर आता है तो वो भी क्लिक करेगा तो यहाँ से सीधा आपके फेसबुक के पेज पे पहुँच जाएगा। बहुत ही ईजी है। आप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।